हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक DIY क्वेश्चन कवर जिसे बनाना बहुत इजी है। तो इसके लिए मैंने लिया है एक प्लेन कुशन का कवर और इसके अंदर मैं इंसर्ट कर रही हूँ एक कॉटन का फैब्रिक जिससे कि कुशन के बैक साइड में किसी भी तरह का कोई कलर ना लगे। ओके दोस्तों, तो ये देखिए मैंने अच्छे से फैब्रिक को इंसर्ट कर दिया है। इसको अच्छे से एडजस्ट कर ले। कलर लिया है मैंने एक्रेलिक कलर फैबिकास्टर ब्रांड का। आप फैब्रिक कलर भी ले सकते हैं। कलर को अच्छे से सेलेक्ट कर लीजिए। एक प्लेट लिया है, एक फ्लैट ब्रश लिया है मैंने और कुछ फ्रेश लीव्स ली हैं। तो इसके लिए मैं लीव्स के बैक साइड में कलर लगा रही हूँ, बिकॉज बैक साइड में मैं कलर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो ये वाली लीव्स हैं इनके बैक साइड में बहुत ही अच्छा टेक्सचर है। जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा ऑन फैब्रिक। ओके, तो ब्रश की हेल्प से लीव्स के ऊपर कलर को फैला लें अच्छे से, जैसे कि आप देख सकते हैं। प्लेट की हेल्प से हल्का सा मैं प्रेस कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा लीफ बनकर इस पे तैयार हुआ है दोस्तों। इसी तरह से हम इसे रिपीट करेंगे।
गाइस देख सकते हैं आप कि ये कितना इजीली प्रिंट हो गया है क्वेश्चन कवर, और अब हम इसको हल्का सा फाइनल थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से इसको फिनिश कर देंगे एंड देन हमारा क्वेश्चन बिल्कुल बनकर तैयार है। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन कवर बिल्कुल तैयार है बनकर, अब हम इसे अच्छे से ड्राई करेंगे और उसके बाद फिर, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं या डाई करते हैं तो फिर हमें उसे अच्छे से ट्रीट भी करना चाहिए। तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे पहले मैं आपको ये बता दूँ। इसको 48 आवर्स तक हम ऐसे ही रखेंगे, और उसके बाद क्योंकि हमने इसे फैब्रिक कलर से प्रिंट किया है इसलिए इसमें एक बैक साइड से अच्छे से इसमें आयरन कर लेंगे, और जब भी इसको वॉश करेंगे तो एक माइल्ड डिटर्जेंट का सिलेक्शन करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।